मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ लेयाल पब्लिक स्कूल। हाउ आर यू? होप यू ऑल आर गुड एट होम एंड एंजॉय योर क्लासेस। स्टूडेंट्स, एज यू नो दिस इज आवर मैथ्स क्लास। इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू रिवाइज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर एंड असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। इज दैट क्लियर? सो increasing order, what is increasing order? Increasing is when numbers are arranged from smallest to largest. When number are arranged smallest to largest is called increasing order or ascending order. Is that clear? Moving from a smaller number to a greater number is known as increasing order. मतलब बढ़ते हुए क्रम में, मतलब ऊपर जाना। इज दैट क्लियर? इंक्रीजिंग मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर। यस, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू गेट 9 मार्क्स इन योर फर्स्ट टर्म एग्जाम एंड यू गेट 10 मार्क्स इन योर सेकेंड टर्म एग्जाम इज कॉल्ड इंक्रीजिंग ऑर्डर। आपने क्या किया, आपने मार्क्स को इंक्रीज किया ना। पहले आपके 9 मार्क्स आए थे, उसके बाद आपके 10 मार्क्स आए हैं, तो आपने क्या किया है, इंक्रीज किया है ना, इज कॉल्ड इंक्रीजिंग ऑर्डर। Is that clear? In increasing order, numbers go upward. Is that clear? मतलब बढ़ते हुए क्रम में। Increasing मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। Look at this. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. It means this is increasing order. बढ़ रहा है ना, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. है ना, increase हो रहे हैं ना numbers. Yes, it means this is called increasing number. Okay, decreasing. Yes, in decreasing order numbers go downward. Down मतलब नीचे आना, up मतलब ऊपर जाना, down मतलब नीचे आना. Yes, for example, if you get 10 marks in your first class test and 5 marks in your second test. Okay, so what it is? It is decreasing. You decrease your number ना, आपने अपने number कम किए हैं ना, बढ़ाए नहीं है ना, इसलिए okay? So this is called decreasing. Like this, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. मतलब ऊपर से नीचे आ। Is that clear? Increasing, decreasing order is when number are arranged from largest to smallest. Largest to smallest मतलब बड़े से छोटा, मतलब बड़े से छोटा. Decreasing means goes down. Decreasing means goes down. Okay? Look at this. Moving from a greater number to a smaller number is known as decreasing order. जब हम बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ आते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब घटते हुए क्रम में. ओके, नाउ डू एक्सरसाइज ऑफ दिस. यस, एक्सरसाइज नंबर 5. ओके, राइट ईच सेट ऑफ नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. हमें क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर हमें क्या करना है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है इनको. इंक्रीज मतलब बढ़ता हुआ क्रम, है ना, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट. इज दैट क्लियर? So what we write here, उसके लिए हम forward counting का use भी कर सकते हैं. Okay? Yes, इसके लिए हम forward counting का भी use कर सकते हैं. Yes. What we write here? 1. And what come after 1? 2, which is not there. 3, also not there. 4. So what we write our next number? Our next number is 4. So what we write here? 4. So we cut 4 here and we write 4 here. Okay, now next, what come after 4? 5. Yes, so what we write here, we cut 5 from here and we write 5 here. Now next is 6. So what we write here? 6. Okay, it means ye kya hai, badhte hue kram hai. Dekho ye up ja rahe hai na sara, increasing order, it means badhta hua kram. Okay, now next, look at this. Yes, 3. What we write here? 3. So we cut 3 here and we write 3 here. Now next, what is next? 8 or 9? Yes, firstly we write 8 here.
ओके नेक्स्ट नाइन बिकॉज नाइन इज ग्रेटर देन एट, नाइन एट से बड़ा है ना, दैट्स व्हाई. नाउ नेक्स्ट इज ग्लास नंबर 10. दिस इज कॉल्ड इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में. ओके नेक्स्ट इज राइट द गिवन नंबर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. राइट द गिवन नंबर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब घटता हुआ क्रम. सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे हम, उसके बाद उससे छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, मतलब बैकवर्ड. ओके यस सो 10 इज हियर, सो वी कट 10 फ्रॉम देयर. यस नाउ नेक्स्ट इज व्हिच इज बिगेस्ट फ्रॉम दीज नंबर्स, 6 ऑब्वियसली. सो व्हाट वी राइट हियर, 6. Now next, we cut 5 from there and we write 5 here. Okay, and 1. So we write 1 here. Okay, now next is 9, 2, 8, 0. 9 is biggest number, so we write 9 on first place. That after, yes, which is smallest from 9? 8. So what we write here? 8. Next, 2. So we write 2 here. Next, 0. 0 is the smallest number. Is it? What is called decreasing order? Matlab ghatte hue kram. Yes, I am repeating. Again, increasing order is when numbers are arranged from smallest to largest. Matlab smallest to largest matlab chote se bada. And decreasing order is when numbers are arranged from largest to smallest. Matlab bade se छोटा. बड़े से छोटा इज मींस डिक्रीजिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा इज कॉल्ड इंक्रीजिंग ऑर्डर. इज दैट क्लियर? स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट इंक्रीजिंग, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट डिक्रीजिंग. इज दैट क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट दिस, व्हाट इट इज. यस राइट द नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. राइट द नंबर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट. Smallest and greatest. So first smallest number is, what is first smallest number? Yes, first smallest number is 6, 9, 3, 2 or 7. 2. So what we write here in first place? 2. Yes, we write 2 here. T-W-O, 2. Okay. Now next, what come after 2? 3. And 3 is also there. 3 bhi hai na yahan pe, hum 2 ko cut karenge, 3 ko cut karenge. Or what we write here? 3. Now next, what come after 3? Yes, forward counting. 4. 4 is not there. And 5. 5 is here. Yes, it is. So we write 5 here. F-I-V-E. 5. Okay. Now next, what come after 5? 6. Yes. So we write 6 here. S-I-X. 6. Okay. Now what come after 6? 7. What come after 6? 7. So we write 7 here. And what come after 7? In forward counting? 8. One more. Hai na? Which is not there. And what is next? 9. So we write 9 here. This is smallest to greatest. It means increasing order mein humne inko arrange kiya hai. Okay. Now next is smallest to greatest. Again. Yes. Now first. Yes. 2. So what we write here? 2. T-W-O 2. Our next number is. No. First. Smallest number is, wait a second, wait a. Yes, our first smallest number 2, 0, 10, 9, 6 or 4, 0. Our first smallest number is 0, Z, E, R, O, 0. Now next is, what? 2. So what we write here? 2, T, W, O, 2. Next number? Yes, one more plus 4. F-O-U-R. 4. Next.
0, 2, 4. Next, 6. Yes, 6. S-I-X, 6. Next, 9. 9, yes, okay. Now, next number is 10. Next number is 10. T-E-N, 10. Is that clear? We arrange these numbers from smallest to greatest. Okay. Now moving to the next question. Yes. Ordinal number. Yes. Ordinal number. An ordinal number is used to show the position of order of an object. जो ऑर्डिनल नंबर होते हैं वो हमें क्या बताते हैं, हमें पोजीशन बताते हैं, हमें जगह बताते हैं, स्थान बताते हैं कि उस ऑब्जेक्ट का स्थान क्या है या उस पर्सन का स्थान क्या है या उस थिंग का स्थान क्या है, वो हमें ये बताते हैं. और व्हाट वी राइट एंड व्हिच टाइप वी राइट दीज नंबर्स, ओके, किस तरह से हम इन नंबर्स को लिख सकते हैं. ओके बेटा, सो फर्स्ट नंबर, एज यू आर इन फर्स्ट पोजिशन इन योर प्रीवियस क्लास, अगर आपकी फर्स्ट पोजिशन आई है, किसी की सेकेंड पोजिशन आई है, किसी की थर्ड पोजिशन आई है, तो उन्होंने आपको बताया ना कि क्लास में आपका कौन सा स्थान है, फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, लाइक दिस. ओके, सो व्हाट वी राइट हियर, फर्स्ट. एंड हाउ टू राइट, एफ आई आर एस टी, फर्स्ट. ओके, सेकेंड, S-E-C-O-N-D, second. S-E-C-O-N-D, second. Okay? Third, T-H-I-R-D, R-D, third. T-H-I-R-D, third. Fourth, F-O-U-R-T-H, fourth. F-O-U-R-T-H, fourth. Fifth, F-I-F-T-H, fifth. F-I-F-T-H, fifth. Sixth, S-I-X-T-H, S-I-X-T-H, sixth. Seventh, S-E-V-E-N-T-H, seventh. S-E-V-E-N-T-H, seventh. Next, eighth, E-I-G-H-T, H, eighth. N-I-N-T-H, ninth. And T-E-N-T-H, tenth. So, repeated once again, first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, and tenth. Okay? Yes. Again repeated. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Yes. Students, remember one thing. What is the spelling of fourth? F-O-R-T-H. Fourth, yeah, F-O-U-R-T-H, fourth. F-O-U-R-T-H. Is that clear? Next, ninth, N-I-N-E-T-H. E nahi aata hai. N-I-N-T-H, ninth. Okay? Now, next, moving to the next question. Exercise. Yes, exercise 6. Look at the picture given below. ये जो आप पिक्चर देख रहे हो यहाँ पर देखो बहुत सारे ऐसे क्लोथ्स हैं ना जो यहाँ पर हैंग हुए हुए हैं. यस, लेफ्ट एंड राइट. Is that clear? Fill in the blanks. The shirt is first from the left. The shirt is first from the left. जो शर्ट है वो लेफ्ट से फर्स्ट नंबर पर है. Second, the skirt is second from the left. और जो स्कर्ट है वो सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, मतलब लेफ्ट से सेकंड नंबर पर है. नाउ नेक्स्ट इज द थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट. अब हमें क्या देखना है, लेफ्ट से थर्ड नंबर पर क्या चीज है. यस, वन टू थ्री, थर्ड नंबर पर क्या है, फ्रॉक. सो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, व्हाट वी राइट हियर, फ्रॉक. एफ आर ओ सी के, फ्रॉक. ओके, now next is the is fourth from the left. अब fourth number पर क्या है, yes, look at this, 1 2 3 4, pen. So what we write here, what is the spelling of pen, P-E-N-T, P-E-N-T, pen. Wait a second, P-E-N-T, pen.
pent is the fourth from the left. Now next is the is fifth from the left. Fifth kya hai? Yes, sari. So what we write here? Sari. S A R I या R double E भी लिख सकते हैं हम इसको. ओके सारी फ्रॉम द लेफ्ट. सारी कितने नंबर पे है? फिफ्थ नंबर पर है. 1 2 3 4 5. ओके नाउ नेक्स्ट इज यस व्हाट इज द सेकंड फ्रॉम द राइट. सेकंड फ्रॉम द राइट यस राइट सेकंड पेंट. सो वी राइट पेंट हियर पेंट. ओके नेक्स्ट व्हाट इज फोर्थ फ्रॉम द राइट. 1 2 3 4. फोर फ्रॉम द राइट स्कर्ट. यस एस के आई आर टी स्कर्ट. ओके व्हाट इज फिफ्थ फ्रॉम द राइट. फिफ्थ फ्रॉम द राइट शर्ट. यस एस एच आई आर टी शर्ट. ओके नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज नेक्स्ट. लुक एट दिस. Compare the numbers with the ordinal. Compare the numbers with ordinal number. Okay. Color the last three box. Color the last three box. अब हमें क्या करना है? हमें color करना है. Last जो three box है ना, उनको हमें color करना है. Okay. So yes. So we color last three boxes. Okay. 1 2 3. Okay. Next. Color the third box from the left. Third box from the left. So 1 2 3. Third box. Yes. Okay. Now next is circle the first six leaf. Circle the first six leaves. Okay. हमें six leaves को circle करना है. First. 2 3 4 5 6. ओके हम ये फर्स्ट सिक्स लीव्स को हम सर्कल करेंगे. ओके तो मैम ने आपको फर्स्ट करके दिखाया है और सिक्स करके दिखाया है. बाकी सारी लीव्स को आप सर्कल कर लेंगे या मैम भी कर देते हैं. ओके 3 4 5 और 6. नेक्स्ट सर्कल द सिक्स्थ लीफ फ्रॉम द लेफ्ट. सिक्स लीफ फ्रॉम द लेफ्ट. 1 2 3 4 5 6. Okay students, I hope you all are understood today's class. We will meet in next meeting. Till then you practice it. Take care. Bye bye.